तो गाइस आज हम जा रहे हैं हिडम्बा मंदिर। आज हमारा फोर्थ डे है मनाली में। तो आज सुबह 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 से ही बर्फबारी हो रही है, तो हमने सोचा कि सुबह सुबह आज चलो एक हिडम्बा मंदिर का जो ट्रैक है वो हम निपटा देते हैं। अब बर्फ अच्छे से गिर रही है और कार भी स्लाइड होने का खतरा है और जाम तो हमेशा रहता ही है वहाँ पे। तो देखते हैं जहाँ तक गाड़ी जा सकती है लेके जाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अगर हुआ तो आगे पैदल चले जाएंगे, अदरवाइज गाड़ी ऊपर तक लेके जाएंगे। टाइम कम है क्योंकि आज ही हमारे को रिटर्न होना है। बाकी देखते हैं, अभी हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, अब हम मॉल रोड के आसपास पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं इसके बाद कितना जाम मिलता है हमारे को आगे। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट ये मॉल रोड पर पहुँच चुके हैं। जी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये मॉल रोड का एंट्रेंस है। ये तो वही जगह थी जहाँ कल रात को यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो थी जब हम रात को खेल रहे थे। तो अब तो सुबह सुबह बारिश भी हो रही है साथ के साथ, तो इसके वो पिघलती भी जा रही है बर्फ और रेगुलर बर्फ गिर रही है। 3 दिन हो चुके हैं रेगुलर बर्फ गिर रही है यहाँ पे। ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सारी मार्केट दिख रही होगी, काफ़ी अच्छी मार्केट है। कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है पर आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस अब हम चल पड़े हैं, गाड़ी हमारी वहीं स्टक हो गई है अब ट्रैफिक की वजह से। यानी पैदल वैसे गाड़ियों से पहले पहुंच रहे हैं हिडम्बा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कहां तक चला जाता है क्योंकि बारिश भी हो रही है और बर्फ भी गिर रही है और ट्रैफिक तो आपको दिख ही रहा है कि कितना ट्रैफिक है। तो बीच बीच में हम फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। हिडम्बा मंदिर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो अब हम चलते हैं ऊपर धीरे धीरे करके और गाड़ी के बीच में से होते हुए निकलेंगे। पैदल तो बंदा निकल ही जाता है, तो लेट्स सी आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कैसा व्यू है और बीच में भी आपको गाइड करता चलूँगा। Thank you.
गाइस पूरा का पूरा जाम लग रहा है एंड तक, आप देख सकते हैं कहाँ से हम निकले थे और कहाँ पे पहुँच चुके हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे हमें फंस जाती हैं। तो अगर आपको हिडम्बर मंदिर जाने का प्रोग्राम है तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप सुबह सुबह निकले अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे और अपना वहाँ पे दर्शन करके अपना टाइम से वापस आ जाए। और अगर आप थोड़ा सा चल सकते हैं तो बेटर, मैं आपको गाइड करूँगा कि आप पैदल ही जाएं, गाड़ी लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही प्यार से आप जा सकते हैं, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है और वो तो आप 15-20 मिनट में आप ऊपर तक पहुँच जाएंगे। गाड़ी लेके जाएंगे फंस जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। गाइस यहाँ हिडम्बा मंदिर की रोड पे भी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, आप उसको ऑनलाइन बुक कर देते हैं। थोड़े बुक होटल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बाकी आप IBBO और बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनके जाके उनको बुक भी कर सकते हैं। तो चलते जा रहे हैं। अब देखो एक तरफ यहाँ पे साइड रोड आगे बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, उसकी वजह से सिंगल तरफ का जाम लगा हुआ है और सिंगल तरफ खुला हुआ है। और देखो बर्फ और गिरना शुरू हो चुकी है, अच्छी खासी बर्फ गिरनी शुरू हो गई है और अब लग रहा है हमारे को कि हाँ भाई स्नोफॉल हो रही है। सुबह सुबह अब देखो यहाँ पे छोटे मोटे जो ढाबे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे चाय स्नैक्स वगैरह के लिए। बट आप मनाली से अगर निकल रहे हैं तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप वहीं पे नाश्ता वगैरह करके चले। लोगों को कौन समझाए, इतनी सारी गाड़ियाँ वो लेके सुबह सुबह आ गए हैं सारे के सारे और सारे जाम में फंस गए हैं। इससे बेटर अगर लोग यहाँ से अगर पैदल ही ऊपर जाना प्रेफर करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर पब्लिक कन्वीनियंस चले तो वो ही सही है, और गवर्नमेंट चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है। गाइस फाइनली हम हिडम्बा मंदिर के एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जैसे आपको देख रहा होगा कि यहाँ सामने बहुत बड़ा सा मैप एक लगा हुआ है, ये जो मैप लगा हुआ है एक पूरा एक सेंचुरी जो इसको घोषित किया गया है और इसका पूरा मैप जो हिडम्बा मंदिर के आसपास जो जगहें हैं जाने के लिए उसका है। आपको छोटा सा रास्ता है 100-150 मीटर का है, इस पर आपको यहाँ पर प्रसाद के शॉप्स मिल जाएंगे बहुत सारे और छोटे मोटे आपको गिफ्ट आइटम के भी शॉप मिल जाएगी। हिडम्बा मंदिर जो है टोटली सराउंडेड है देवदार की पेड़ों से, जिसको एक बहुत ज़्यादा एक तवज्जो दी जाती है हिमाचल के या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। इस हिडम्बा मंदिर में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हो रखी होगी, शायद आपको पता भी होगा। और ये जैसे बहुत सारी छोटी छोटी की प्राइसिंग की शॉप्स आप चाहें तो ले सकते हैं, बट अगर आप मनाली में स्टे करें तो वहीं से लें, आपको बेटर ऑप्शंस और बेटर रेट्स पे वहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी।
हिडम्बा देवी मंदिर। ये जो मंदिर है, ये भीम की वाइफ जो हिडम्बा देवी के नाम से फेमस है, उनके ऊपर बनाया गया था। ये मंदिर जो है उसको केव टेंपल भी कहा जाता है। और ये जो है मंदिर वो पूरे के पूरे धुनगुरी वन विहार के सिदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो एक सेंचुरी भी बनाया गया है इसको, और इसको एक प्रिजर्वेशन के तौर पे रखा गया है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। जो हिडम्बा देवी मंदिर है और जो हिडम्बा देवी माता है, इसकी बहुत मान्यता है यहाँ के लोकल लोगों में एक माता के तौर पे। और नर्वांतर के तौर पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देखी जा सकती है नवरात्र के दौरान। तो अगर आप नवरात्र में यहाँ आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपको दर्शन के लिए आपको लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ेगा। गाइस, हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर और हमारी गाड़ी भी ऊपर तक आ चुकी है। तो देखते हैं कहाँ पे गाड़ी है, ढूंढते हैं ढूंढते कहाँ है। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ी फर्स्ट हो गई है बर्फ की वजह से। ये मिल गई हमारे 50 मीटर का वहीं लिखा हुआ है। ताला ऊपर करने गए, फोन करे पूछ कहां पे है। तो फटाफट देर ना करते हुए अपनी गाड़ी को बैक करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जाम लगने वाला है। और फिर यार ये खड़े में यार ऊपर करेंगे यार, जाम तो लग रहे थी सानू वैसे चलाया तुसी। चलो घुमाओ फिर दसो, तुम पहले कहते पंचर लगाना, मैं पहले रुक जाता। चलो घुमाओ फिर घुमाओ। उतो तो मुड़नी है वो हम्म
एक मिनट रुक जा भाई। घुमा दो पूरी, घुमा दो। चलो 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 घूम गई। साफ नहीं होता रोड, कि पानी हर टाइम चलता रहता है, टूटी रहती है रोड। दूजा काकू बच्चा खेल रहा है। ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ